बिल्डिंग की चलती हुई लिफ्ट लोगों को ऊपर नीचे ले जाती है, ये तो सबको पता है। पर एक बंद पड़ी हुई लिफ्ट रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकती है, ये राजेश वागले एंड फैमिली ने बखूबी देखा। क्या पापा लिफ्ट में फंस गए? आप भी देखिए बिगड़ती लिफ्ट के हाथों बनते हुए रिश्ते। ये लिफ्ट मुंबई की सड़कों की तरह क्यों झटके खा रही है? अरे खुल गई राज, चलो जल्दी आओ। फूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। जी जी सर, समझे। अरे वाह, गुड मॉर्निंग वंदना भाभी। गुड मॉर्निंग। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे माँ अन्नपूर्णा के दर्शन हो गए हों। मैं दिखाई नहीं। ऑनरेबल एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा जी, आपके सनी दर्शन सोसाइटी की लिफ्ट झटके खा रही है फिर से। हाँ तो आपने 5-6 बटन एक साथ दबा दिए होंगे ऐसे 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 करके। लिफ्ट का पैनल क्या कैलकुलेटर का पैनल है जो ऐसे 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 करके मैं बटन दबाऊंगा हिसाब करने के लिए? 8 फ्लोर प्लस 4 फ्लोर इज इक्वल टू 12 फ्लोर। अरे दक्कू भाई, टेक्नीशियन बुलवाइए ना। मैं 2 टेक्नीशियन बुला लूंगा वंदना भाभी। क्या भव्य सुझाव दिया है आपने सुबह सुबह। सीखिए वंदना भाभी से, कुछ सीखिए राजेश भाई। हमेशा के लिए फंस जाना चाहिए अंदर, चुनवा देना चाहिए इसे अनारकली की तरह। हाँ फिर पापा बोलेंगे राधिका बोरीवली की लिफ्ट इससे अच्छी तो दादर की सीढ़ियां हैं, कभी बंद तो नहीं पड़ती हैं। चलो राधिका, राजू ऑफिस चला गया होगा। हाँ कब का, क्यों? नहीं मुझे उससे कुछ काम है। तुम चलो, मैं जरा 8 फ्लोर होके आता हूँ, ठीक है? हेलो वंदना। हाँ माँ। अरे जरा नीचे आओगी, मुझे थोड़ा सा काम था तुमसे। बस ब्रेड और फ्रूट्स लेने के लिए आई थी, घर ही आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, कॉफी पियेंगे, आजा। हेलो राजू बेटा। हाँ पापा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ? हाँ एक मिनट। ओके ओके। हेलो क्या हो गया ये? हेलो तिवारी जी, मैं श्रीनिवास वागले दादर वाला। हेलो आप सुन रहे हैं ना? हेलो मैं फंस गया हूँ लिफ्ट में फंस गया हूँ, निकालिए मुझे। अरे खुल गया 8 फ्लोर, क्या करूं? अथर्वा के साथ कैरम खेलूंगा। निशा, लाइटनिंग डिलीवरी टू पुणे, शिपमेंट जा रहा है ना पुणे? ऑफ कोर्स सर। सो प्लीज। सर कैसा लग रहा है मम्मी पापा को आपके नए घर में? दासानी से पूछो चंदू, उनको ज्यादा पता है कि मेरे मम्मी पापा को कितना लग रहा है बोरीवली में। इसको तो मैंने बोला कि मेरे को जुलाब हो गए, तो उस पे भी इसने मेरे को। ओह मतलब चंदू भैया आपका पेट साफ हो गया ना इसलिए? सर मैं हर चीज में पॉजिटिव देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट है। हाँ चंदू, मम्मी पापा सेटल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ना। हाय माँ। अरे इतना हाफ क्यों रही हो और सीढ़ी से क्यों चढ़ के आई? अरे वो लिफ्ट बंद हो गई ना, यही सेकंड और थर्ड फ्लोर के बीच में अटकी हुई है, तो आप लोग भी लिफ्ट मत यूज कीजिएगा। हाँ हे भगवान, तुम्हारे पापा तो लिफ्ट से ही गए ऊपर, कहीं अटक तो नहीं गए? नहीं नहीं अटके होते तो वो अलार्म बजाते ना। रुकिए मैं फोन करता हूँ। फोन कर। मेरी है कि तेरी? मेरी। अच्छा ठीक है, ये ले तेरा भाई मेरा काला।
टाइगर गया बेटा, अब कभी नहीं गया। चल 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 जल्दी कर। पापा पापा सुनिए, फोन उठाइए। ये रिंगटोन तो पापा की लग रही है। अरे 15 साल से यही रिंगटोन है, 6 फोन बदले, रिंगटोन नहीं बदली। अरे दे दो मुझे फोन, दे। सुनिए अगर आवाज आ रही है तो फोन उठाइए ना और मुझसे बात कीजिए अंदर से। सुनिए बात तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं अंदर से, वो बात नहीं कर रहे मतलब। शाही अरे अंदर बेहोश तो नहीं हो गए ना? नहीं, सुनिए ना पापा। अरे फोन उठाइए। मिस्टर तनवा वागले, ये देखो ये रहा क्वीन और ये कवर 10। आजोबा आ गया तुमका चाहा। थैंक यू। आशा चूड़ा भी देना। मेड इन दादर। भाई मेड इन इंडिया तो सुना है लेकिन मेड इन दादर ऐसा भी लिखते हैं चूड़े पे? अब क्या करेंगे वंदना? कुछ नहीं होगा माँ। अरे वो क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा क्या हुआ, कौन फंसा है लिफ्ट में? हर्षद भाई वो मेरे फादर इन लॉ। श्रीनिवास काका? हाँ हाँ वही वही। पानी दे। आदत हो गई है ना। मैं तो चाव में बोलता था कि लिफ्ट मतलब मारो शेर बाजार, कभी ऊपर कभी नीचे लेकिन कभी रुकता नहीं। ये लिफ्ट ने तो नाक कटा के रख दी है ना ज्योति? वंदना ऐसी बात ही कर रहे हैं तू ना, राजू को फोन कर, बुला ले उसे। नहीं नहीं मैं राज को नहीं, वो और ज्यादा पैनिक करेगा, मैं मैकेनिक को बुलवाती हूं। जल्दी से बुला। ये ना गाली खाने वाला ये दक्षेश। मैंने बोला था आंटी। क्या क्या बोला क्या था? यही कि लिफ्ट को सर्विस की जरूरत है लेकिन मारी बात माने को नहीं। ये दक्षेश है ना सिर्फ नाम रो सेक्रेटरी है। मैं लाडेरी बुआ, आज दक्षेश गया ये सस्ता डेड इन्वेस्टमेंट। कॉल दक्षेश। सॉरी कैन नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। कॉल डॉक्टर। कॉलिंग दक्षेश। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, पेरू खाइए। नहीं पेरू नीचे। तो कलिंगर दूं? नहीं भूख नहीं मुझे। हेलो ए दक्षेश, ए सुन ये नीचे श्रीनिवास अंकल लिफ्ट में फंस गए और शायद बेहोश भी हो गए। कौन श्रीनिवास अंकल? अरे कोई भी श्रीनिवास अंकल, लिफ्ट में फंस कर बेहोश हो गए, वो सुना ना तूने? कौन श्रीनिवास? अरे श्रीनिवास अंकल मतलब अपने राजेश के पिताजी। अपनी बन्ना भाभी वाले राजेश के पिताजी? हाँ। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना अर्शद। अरे बन्ना भाभी तो सही दर्शन हाइट सोसाइटी की शान है, उनके ससुर को लिफ्ट से बाहर ना निकाल पाना पूरे संसार का अपमान है। अरे सड़ेले स्टेज शो के पानी कम कंपेयर, फटाफट नीचे और मैकेनिक को लेके आ 5 मिनट में। हाँ हाँ बुलाता हूँ। झालर ला दे। क्या पैसे? नहीं नहीं मसाला। अटर बेटा बाथरूम ब्रेक है, एक मिनट गड़बड़ मत कर। अथर्वा। हाय। अथर्वा ये सोसाइटी की इमरजेंसी सर्विसेज की बुक कहाँ है? वो तो दादी लेके गई है जेरोक्स करवाने के लिए। ओह गॉड, अरे दादाजी बेचारे लिफ्ट में फंस गए हैं। अरे वो तो अच्छा सुन, अगर डैडी का फोन आए ना तो उनको बिल्कुल भी मत बताना कि दादाजी लिफ्ट में फंसे हैं, समझा? लेकिन वो तो लेकिन कुछ नहीं, जितना बोलती उतना किया करो। ओके। उफ़ो। गड़बड़ नहीं किया ना? नहीं नहीं। अरे आशा बेटा मुझे वो दादर वाला चूड़ा नहीं दिया। आवाज उबा मेड इन दादर किसी भी चूड़े पे नहीं लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर वो लोकल वाला ही दे दो। अच्छा लाती हूँ। हाँ किधर गया स्ट्राइकर? बोरा
आंटी ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू। ये तो शरबत है। हमारे घर में शरबत भी पानी की तरह बहता है। बाथरूम में तो पानी आता है ना, कि वहां पे भी? क्या कर रही है तू? पैसे दे, शांत रह, साइलेंस। ए, मैकेनिक, क्या रे? अरे से लिफ्ट का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हर्षद, लड्डू के डब्बे का ढक्कन नहीं है जो बंग करके खुल जाएगा ये। ओह सॉरी सॉरी, सो सॉरी। वो पापा को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, प्लीज आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे मैकेनिक, तू कर क्या रहा है? चीर डाल लिफ्ट को। चीर डालू? हाँ, वंदना भाभी के सम्मुख चेहरे पे सिलवटें आ गई है। वंदना, क्या सब ठीक हो जाएगा? वंदना भाभी, आंटी बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही। आंटी आप शवासन कीजिए। इधर? हाँ, मैं मैट लाई हूँ ना, ये देखिए, मैं 6 कलर की मैट लाई हूँ, आपको कौन सी चाहिए बता? नहीं नहीं, मुझे कोई मैट नहीं चाहिए, मैं ना खड़े खड़े शवासन कर लूंगी। कैसे? मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखो, टेंशन लेने से दरवाजा तो नहीं खुलने वाला ना। एग्जैक्टली। आंटी अंकल को कुछ नहीं होगा। हर्षद आप एम्बुलेंस बुलाइए, अंकल को अंदर हार्ट अटैक आ गया होगा तो। हार्ट अटैक? नहीं, हाँ मेरा बड़ा भाई था ना, उसके दूसरे वाले ससुर को लिफ्ट में ही हार्ट अटैक आया था, लेकिन अंकल को कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। हाँ। माँ वो बस मुझे लगता है घुटन की वजह से ना थोड़ा चक्कर वक्कर आ गया होगा। हाँ। और कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं माँ। खुल गई, खुल गई लिफ्ट, खुल गई। सुनिए, ये तो खाली फोन है। साई बाबा कहाँ चले गए? एक मिनट, एक मिनट। ज्योति भाभी ऊपर क्या देख रही हैं? कोई स्पाइडरमैन की तरह ऊपर से थोड़ी ना निकल गए होंगे वो। आई बाहर। माँ पापा लिफ्ट में थे ही नहीं। रुक गए का? ये वंदना अभी तक नहीं आई, राधिका भी कहाँ रह गई? फोन कीजिए ना। राइट, फोन। फोन। अथर्वा, लगता है मैं घर में ही भूल आया हूँ, जाके लेके आते। ओके। चल। माँ पापा अपना फोन लिफ्ट में भूलकर ऊपर चले गए होंगे। पर तुम ऊपर हो आई हो ना, नहीं तेरे घर पे? हो सकता है उन्होंने इमरजेंसी सीढ़ियां यूज की हों, धीरे धीरे चढ़ के चले गए हों। हाँ, चलो देखते हैं। वंदना भाभी, लिफ्ट का सिस्टम अब सांसें लेने लगा है, अब आप इसमें यात्रा कर सकती हैं। नहीं नहीं, हम ना सीढ़ी से यात्रा करेंगे। चलो जाके देखते हैं, शायद वहां मिलेंगे। आंटी वैसे वो मेरा बड़ा भाई है ना, जिनके दूसरे ससुर को हार्ट अटैक। हम ना बाद में कभी तुम्हारी स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? हाय रे तिवारी, सोचा तो था सुबह की शुरुआत शुभ होगी, लेकिन चलना, तू क्या प्रोग्राम करने बैठ गया इधर? चल, अरे श्रीनिवास काका को ढूंढना है, चल। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू मुझसे तमीज से बात कर। हाँ वही कर रहा हूँ मैं, सही दर्शन हाइट सोसाइटी। हाँ बरोबर है, चल। नमस्कार। आप ठीक है? आ गए होंगे। मिल जाएंगे माँ, मिल जाएंगे। कहाँ ढूंढे? अरे सिंदर वागले, अथर, सखी, राजू के पापा कहाँ है? कहीं नहीं मिले। नो मीन्स नो। हेलो हर्षद। हर्षद आधे घंटे में श्रीनिवास काका जहाँ भी हो मिल जाने चाहिए। हाँ। अरे घर घर जाओ, गार्डन जाओ, जरूरत पड़े तो स्वर्ग हो आओ। हाँ? स्वर्ग? हाँ, वो मैंने अतिशक्ति को अपना हथियार बनाया ना आंटी। वंदना भाभी, हाँ? खास आपकी फरमाइश पर मैंने वॉचमैन से पूछा, पर उसके अनुसार श्रीनिवास काका बिल्डिंग के बाहर गए ही नहीं। क्लब हाउस? मैं खुद जाके चेक करके आता हूँ, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। रोशन क्लब हाउस खुलवाओ, वंदना भाभी की फरमाइश है। फरमाइश? क्या आदमी है, फरमाइश ऐसे बोल रहा है जैसे किसी होटल में गजर का कार्यक्रम चल रहा। आइटम है माँ, पर पापा वहीं कहीं गए होंगे। गजर सुनने? नहीं नहीं, क्लब हाउस। शिरडी वाले
साई बाबा, गला गला ठीक कर रही हूँ। थैंक यू। राज का फोन। हाँ उठा उठा उठा, उसे बता देना, सब कुछ बता दे। अरे वैसे भी वो ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ बता दे उसे। नहीं वो पहले तसल्ली कर लेते हैं माँ, मैं नहीं बता सकती, राज कहीं पैनिक कर जाएंगे तो। हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। माँ मैं भी घर घर जाकर चेक करती हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। हाँ चल। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा ईशा ये अर्जेंट डिलीवरी है कुलाबा, कैश ऑन डिलीवरी है, 76,500 रुपीस, संभल कर लाना। ओके सर। मैं भी जाता हूँ ना सर ईशा के साथ, इतनी भारी रकम है तो। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे हईशा करके उठाने में मदद करोगे ना, भारी रकम सब्जी की टोकरी की तरह। नहीं सर वो इशू पिशू अकेली कैसे जाएगी? ऑफिस आवर्स में नो इशू पिशू। सॉरी यस डैडी। दादाजी फोन नहीं उठा रहे हैं, घर पे फोन कर रहा हूं तो इट्स जस्ट रिंगिंग। नहीं नहीं वो एक्चुअली वो मम्मा कहां है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले पैनिक होके बोली कि मुझे आपको नहीं बताना है कि दादाजी लिफ्ट में फंसे हैं। क्या पापा लिफ्ट में फंस गए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलो, अगर वो नहीं फंसे होते तो वंदना तुमसे ऐसा क्यों कहती कि डैडी को मत बताना कि दादाजी लिफ्ट में फंस गए? क्योंकि वो लिफ्ट में नहीं फंसे। चुप कर, वो स्मार्ट कहीं का। अच्छा मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ओके ओके। ये गाड़ी से जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेट पहुंचूंगा। चंदू स्कूटर की चाबी दे, पापा लिफ्ट में फंस गए यार। अरे बाप रे, इसमें क्या कर रहे हैं ये? अथर्वा बेटा यहाँ भी फोन नहीं मिला, तो किससे बातें कर रहा था? डैडी से। मैंने उनको बोला कि आप लिफ्ट में नहीं फंसे हो, फिर भी मुझ पे चिल्लाए। तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं लिफ्ट में नहीं फंसा? क्योंकि आप नहीं फंसे। हाँ मैं नहीं फंसा, यू आर राइट। अच्छा ये देख, ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की ट्रॉफी। देख क्या लिखा है, द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर 1994 मिस्टर श्रीनिवास वागले। पता नहीं कहाँ चले गए, आसमान निकल गया, ये जमीन खा गई उन्हें। मुझे बहुत चिंता हुई, कुछ नहीं हुआ नहीं होगा ना उनको। कुछ नहीं होगा माँ, आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच। आप बैठिए, चलिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, बैठिए। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है माँ, साईं बाबा है ना, सबकी रक्षा करें। हाँ मैंने भी बात की उनसे, करनी पड़ेगी रक्षा उनको। पर क्या है ना वंदना, मुझे ना तेरे पापा की इतनी आदत हो गई है। पता है तेरे पापा खर्राटे लेते ना तो ऐसा लगता है जैसे कंस्ट्रक्शन की मशीन चल रही है। लेकिन जिस दिन खर्राटे नहीं लेते ना मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं रात भर ना जाग के देखती रहती हूँ, ठीक है ना, सब ठीक है ना? अब देखो ना, मिली मिली नहीं रहे। माँ 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 आपको स्ट्रॉन्ग रहना है मेरी तरह। नो पैनिक, नो पैनिक। मैं राज को फोन करती हूँ। सॉरी 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 सॉरी, आपका फोन नहीं, अच्छा मेरा ही बज रहा है। हेलो हेलो राज। हाँ हाँ बोलो बंधु। देखो मेरा ना जरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? और राज का एक्सीडेंट हो गया, तुम ठीक हो? नहीं नहीं मेरी बात सुनो तुम। एक मिनट वंदना, एक मिनट, तुमको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह, नो पैनिक। अरे कोई तो मेरी बात सुनो। किसका फोन है, किसने कहा एक्सीडेंट हो गया? राज ने। अरे राज ने कहा ना, तो ठीक ही होगा ना वो। हाँ एक मिनट राजू। मम्मी मम्मी देखो मैं ठीक हूँ।
ठीक है वो बेटा? वो क्या हो गया कि मुझसे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो मैंने ट्रैफिक हवलदार को जरा उड़ा दिया है। हाँ लेकिन वो अब ठीक है। ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा मम्मी पापा लिफ्ट से निकले कि नहीं? थैंक यू। ओ मिस्टर, नाम क्या तुम्हारा? राजेश वागले। फोन रखो। एक मिनट, मेरे पापा है ना लिफ्ट में फंस गए हैं। हाँ बेटा, वो क्या है ना, पापा लिफ्ट में फंसे ही नहीं थे, वो थोड़े से लापता हो गए। लापता? मुझे बहुत चिंता हो रही, बहुत टेंशन हो रही राजू। माँ माँ माँ, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है मेरी तरह। नो पैनिक, एक दिन मैं बात करती हूँ। राज तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है हमारी तरह। नो पैनिकिंग। तो तुम एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। मुझे लगता है पापा यहीं कहीं गए होंगे, किसी पड़ोसी के यहाँ होंगे। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ बंधु। अरे क्या करो इनका। मामा। अथर्वा बेटा इधर आ। सुन, बिल्डिंग के हर फ्लैट में जाओ और पता कर कि तेरे दादाजी वहाँ तो नहीं आए थे। दादाजी किसी के फ्लैट में हो ही नहीं सकते, मुझे पूरा पता है। तुझे कैसे पता? अरे इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है तू? क्योंकि वो मेरे साथ थे कब से। अरे तुम लोग यहाँ हो? अच्छा दादी का मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। शांत 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 शांत। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। सर सर सॉरी, क्या ना मेरे दिमाग की ना सीटी बजी हुई थी, मेरे पापा ना लापता है। रोना मत रोना मत। एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का पेपर नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ा दिया। रो नहीं रहा हूँ मैं ये पानी दे रहा हूँ आपको, पानी पी। अब लगता है ना दादर भी वो ठीक थे, खामखा जिद करके उन्हें बोरीवली ले आया ताकि मेरा करीब रहे वो। मतलब आपने अपने पिताजी को? प्लीज 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 जाने दीजिए प्लीज। नहीं हाँ बोलो बंधु। हाँ राज, पापा मिल गए। पापा मिल गए? पापा मिल गए? कहाँ है? उन्हें उन्हें दो फोन दो। हाँ हाँ ये लो पापा। हाँ राजू बेटा कैसा है तू? अरे पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे क्या होगा, लेकिन ये तेरी बोरीवली की गाड़ियाँ हमेशा पोंपा हॉर्न टिक। अब वो देखिए। और फिर यहाँ के कबूतर बिना वार्निंग के कहीं भी कभी भी पिचक। और फिर कुत्ते भौंकते हैं जो ऑल टुगेदर भौंकते हैं। पर एक बात है बेटा। जी पापा। बोरीवली के लोग इतने बुरे नहीं है ना? नहीं। ये लीजिए ना। अरे मुझे नहीं। अरे लीजिए लीजिए। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। नो 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 नो। मुझे ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग निकल पड़ी। ये लीजिए। इतने सारे केले? केले वाले भी अंदर है क्या? वरना भाभी केले देख के एक शेर याद आया है, अर्ज किया है। केले के ठेले पे गए अकेले थे लीला के पति मिस्टर लेले। लीला बोली मिस्टर लेले से, डार्लिंग तू जल्दी जल्दी केले ले ले। See the fun? मैं कहता था ना पापा, हमारे जमाने के लोग हैं थोड़े स्वार्थी सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन आज भी थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं दूसरों के लिए। लव यू पापा। देखिए भाई साहब, अभी 10 मिनट में मेरा छुट्टी होने वाला है। आपने इतनी हिम्मत करके अपने बाबूजी को दादर से बोरीवली कैसे लाया इसकी कहानी बताएंगे चाय पीते पीते, ताकि मैं भी हिम्मत करके अपने आई बाबा को डोंबिवली से बोरीवली ला सकूं। ओह अरे क्या बात है, चलिए। खामखा हम लोग कहते हैं कि कोविड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं तो समझता हूँ कि वायरस के जरिए कुदरत हमसे कह रही है कि रुको, सिग्नल्स देखो, ब्रेक मारो। हाँ मकाम तक पहुंचने की भागदौड़ छोड़ के जो सफर है ना उसका आनंद उठाओ, वो भी अपने माताजी पिताजी के साथ, अपने बच्चों के साथ। करेक्ट। हाँ तो भैया हुआ यू कि हम पहले रहते थे शिवाजी पार्क। ओके अब वहां से आते आते मतलब ट्रैफिक हो यार, आपकी जैसी जिंदगी यार हमारी तो मतलब पूछो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.